बाकी जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं उनसे अब निवेदन कि मुख्य अतिथि महोदय का वक्तव्य होने जा रहा है। आपने जो धैर्य और जो अनुशासन का परिचय अब तक दिया है उसको थोड़ी देर और बरकरार रखें और छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति जो अभी बहुत आपने जोरदार यहाँ नारे लगाए हैं उसको यहाँ व्यवहारिक रूप से करके दिखाएं और बहुत ही जितने भी यहाँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में चौधरी गिरिराज सिंह जी भी यहाँ उपस्थित हैं उनका भी स्वागत। आप पूर्व विभाग संयोजक हैं उनका भी अभिनंदन। और अब बिना किसी विलंब के हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव कुमार जी जो योग विशेषज्ञ हैं और यहाँ मुरादाबाद जिला अस्पताल में कार्यरत हैं। आप समाज को भिन्न भिन्न प्रकार से योग की शिक्षा प्रशिक्षण दे रहे हैं और विभिन्न समुदायों के द्वारा विभिन्न और एनजीओ के द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर संजीव कुमार जी जोरदार तालियों से उनका स्वागत। कार्यकारिणी सदस्य चीफ प्रोक्टर हिंदू कॉलेज श्रीमान मेजर राजीव ढल जी विभाग प्रमुख प्रवक्ता महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद श्रीमान जोगेंद्र पाल सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता एसएस इंटर कॉलेज मुरादाबाद। मैं पत्रकार बंधुओं एवं छात्र छात्राएं मैं सभी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस 66वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। साथ ही मैं आपके समक्ष बहुत ही सूक्ष्म संभाषण के द्वारा कुछ गहन चीजें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो आपके जीवन में सदैव उपयोगी हो सकती है बशर्ते आप अपने जीवन में इन्हें आत्मसात कर लें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रथम दृष्टया किसी व्यक्ति से इसके बारे में जिक्र किया जाता है तो एक विद्यार्थियों का संगठन एक जिंदाबाद के नारे लगाने वाला संगठन इस तरह की एक छवि हमारे मन के अंदर उभर कर आती है। निसंदेही ऐसा भी प्रतीत होता है कि शिक्षा के छात्रों के अधिकारों के लिए संवैधानिक मजबूती के लिए जैसे कोई संगठन काम कर रहा है परंतु इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बुक बैंक का संचालन करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट वैकेशन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी चलाता है। म्यूजिक कंपटीशन पेंटिंग कंपटीशन स्टूडेंट राइटर मीट्स सोशल पार्टिसिपेशन कैंप्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेक्निकल मेडिकल मैनेजमेंट एग्री स्टूडेंट वर्कशॉप टेक्निकल एग्जीबिशन इंडो फॉरेन स्टूडेंट ब्यूरो स्टडी सर्कल एंड आर्ट सर्कल्स वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट एंड यूथ स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट
स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग और सबसे ही महत्वपूर्ण थिंक इंडिया के नाम से एक कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चलाता है, जिसका एक परिणत रूप आप देख सकते हैं कि हमारी वर्तमान केंद्रीय सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है माई जीओवी करके, जो जिसमें आप अपने सुझाव, जो भी आपके विचारधारा है, जो भी चीजें हैं, उनको आप जो है सीधे सीधे शेयर कर सकते हैं। ये अभी टेक्नोलॉजी की मदद से संभव हुआ है, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कार्य को सालों साल से करता चला आ रहा है। जो भी हमारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं, ऐसे ओजस्वी छात्र छात्राएं हैं, कुछ बहुत अच्छे सुझाव उनके मन के अंदर आते हैं, बहुत अच्छे विचार होते हैं, कुछ के मन में बहुत अच्छे क्रांतिकारी समस्याओं को सुलझाने के सुझाव होते हैं, वो उच्च स्तर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहुंचाता रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक पत्रिका चलाता है, राष्ट्रीय छात्र शक्ति। दोस्तों, ये सब कहने का जो मेरा तात्पर्य है, ये सब बताने का जो मेरा तात्पर्य है, वो यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रथम दृष्टा एक राजनीतिक संगठन की तरह दिखता हुआ ना रह जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक विचारधारा का नाम है। देश की, राष्ट्र की, कॉलेज की, विद्यार्थियों की, किसी की भी कोई भी समस्या, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समग्र स्वरूप के सामने होनी साबित होती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तीन मंत्र हैं, ज्ञान, शील और एकता। ज्ञान एक ऐसा तत्व है दर्शन का, जिसे हम आजकल सामान्य रूप में ज्ञान के रूप में जो जानते हैं, वह जानकारी है, उसे मैं ज्ञान नहीं मानता। आप किसी पुस्तक से जानकारी ले लेते हैं, कोई दोस्त आपको कुछ जानकारी देता है, आपके गुरुजी कुछ जानकारी दे देते हैं, कोई आपको खुद कुछ पढ़ के जानकारी मिल जाती है, दूसरे स्रोतों से जानकारी मिल जाती है, लेकिन उसे हम ज्ञान नहीं कह सकते, उसे हम जानकारी कहेंगे। ज्ञान का अर्थ है आपका मस्तिष्क, आपका मन, आपके आत्मा के इतना पास हो कि आप सही निर्णय ले सके कि जो जानकारी आपके अंदर जा रही है वह सही है या नहीं है, और वो जानकारी जो भी हमारे चारों तरफ से जाने अनजाने हम एकत्रित करते रहते हैं अपने मस्तिष्क में, उस जानकारी को हम अपने अंदर रखें या ना रखें, ये जो हमारे अंदर की जो एक फीलिंग है, यह ज्ञान है। हमारा जो मन है वह बिल्कुल सूक्ष्म है और हर समय ये किसी ना किसी बात से प्रभावित रहता है। जैसे कि अभी सपोज पंखे बंद कर दिए जाए, थोड़ी सी गर्मी होगी, तुरंत इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी, हम बेचैन होने शुरू हो जाएंगे, परेशान होने शुरू हो जाएंगे, तुरंत हमारा मन इस परिस्थिति से परिवर्तित हो गया। अभी यहां पर एसी चला दिया जाए तो बड़े सुकून में हो जाएंगे और हो सकता है दो चार सो भी जाए। एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन चीज है हम सबके अंदर, जो हमें एक सूत्र में बांधती है, वह है श्वास। जब हमारे बाएं स्वर से श्वास चल रही होती है तब हमारे अंदर एक ठंडक का वातावरण पैदा होता है। बाएं स्वर से श्वास चलने का मतलब है जब आपके बाएं